गढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर आरएसएस के कठपुतली मंडालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूं, जब जब बिरसा मुंडा टंटे मामा जैसे लोगों का इतिहास जिंदा है, जब जब हमारे और आपके जैसे नौजवान तैयार है, तब तक हर घर घर से एक बिरसा तैयार करा है, हर घर घर से एक कालीबाई तैयार करिए। आप हमारे विचारों को कदर भी नहीं मार सकते। पूरे मानगढ़ पर ब्रिटिश हुकूमत कहती है, ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस समय उस पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे, और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। और जब 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे तो वो लोग सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट फील प्रदेश की मांग कर रहे थे, सेपरेट फील टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और इस बात को लेकर ब्रिटिश हुकूमत को ये बात जमी नहीं, तब वो लोगों ने हमारे लोगों को भी आगे किया और इस बात को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए ये 17 नवंबर 1913 को हमारे लोगों के साथ में गोलीकांड हुआ था। लेकिन हम उस पराक्रम और शौर्य को भूलना नहीं चाहते। उस पराक्रम और शौर्य के बाद में आज कुछ लोग जिनको मानगढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर आरएसएस के कठपुतली मंडालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूं, जब जब बिरसा मुंडा टंटे मामा जैसे लोगों का इतिहास जिंदा है, जब जब हमारे और आपके जैसे नौजवान तैयार है, तब तक हर घर घर से एक बिरसा तैयार करा है, हर घर घर से एक कालीबाई तैयार करिए। आप हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ऐसे मंडालाल 1000 पैदा होंगे समाज में, क्योंकि बिरसा मुंडा को जब अंग्रेजों ने मारा था, धीमे जहर दिया था, तब भी पकड़ाने वाले उन्हीं समाज के लोग थे। जब टंटे मामा को पकड़ा गया था, तब भी उसी समाज के लोग थे। तब हम ये सोच सकते हैं कैसे मंडालाल रावत जैसे 1000 मंडालाल रावत तैयार हो जाए, लेकिन आदिवासी के बढ़ते आंदोलन को, आदिवासी के प्रति क्रांति को तुम हरगिज नहीं रोक सकते। और हम लोग बिल प्रदेश की मांग को विधानसभा के अंदर टेबल ठोक कर कह सकते हैं, यहाँ पर छाती ठोक कर कहेंगे कि बिल प्रदेश जब तक ही बढ़ेगा, हमारे एक लहू लहू का कतरा भी उसके लिए काम करेगा। साथियों, आज जिस तरीके से हमारे हक को मारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी सोचने का बात है। जो लोग आदिवासियों के वोटों से जीत कर जाते हैं और आदिवासियों को मारने की बात करते हैं। हम लोग उदयपुर के अंदर लगातार खबरें देख रहे हैं कि पैंथर के द्वारा आदिवासियों पे हमला किया जा रहा है, और अभी सरकार को सफलता हासिल हुई कि पैंथर को पिंजरे में बंद किया था। उसी प्रकार से उदयपुर से वोट लेकर कुछ लोग दिल्ली की ओर लौटे थे, वो भी उस पैंथर की तरह कम नहीं है, जिन्होंने आदिवासी के वोट लेकर यह कहा कि आदिवासी का घर चला दो, आदिवासी को मारो। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने उस आदमखोर पैंथर को पकड़ा था, इस आतंकवादी पैंथर को वक्त आने पर अपन पिंजरे में बंद करेंगे। साथ साथ में यह बताना चाहूंगा कि आज सरकारें हमारे साथ कितना भेदभाव करती है। आए दिन ऐसे कानून जो हमारे हक के खिलाफ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो न्यायालय है, ये आदिवासियों के कब से हितैषी बन गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और आज जिस तरीके से एससी भाई ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक होने लगे, तब इन सरकारों को चिंता सताने लगी कि आज हमारा जो जनाधार है इसको कैसे घटाया जाए। तब न्यायालयों से एससी को अलग करने के बयान, अलग करने के फैसले सामने आते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण कैसा होगा, आदिवासियों का आरक्षण कब तक होगा, ये फैसला आदिवासी करेगा, आपकी न्यायालय नहीं करेगी। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2013 के अंदर आरक्षण को बेचा गया था और 2016 के अंदर पिछले अधिसूचना आई थी, उस अधिसूचना की वजह से हमारे लाखों हजारों बेरोजगार आज पलायन कर रहे हैं अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई। उनकी वजह से अभी जो हाल ही में 2016 के बाद में जितनी भी भर्ती आई, उस भर्ती के अंदर आदिवासियों के साथ में कुटारा घात हुआ, धोखा हुआ। अभी जो आरएस भर्ती आई, उसके अंदर एक भी एसटी का पद नहीं है। इसका मतलब हमारे साथ फिर से धोखा हुआ। बैकलॉग